नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है मंदिर। हर घर के अंदर मंदिर बनाया जाता है, भगवान के लिए स्थान बनाया जाता है। वास्तु के नियमानुसार घर में भगवान का जो स्थान बनाना चाहिए वो ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान का स्थान होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भगवान का स्थान तो बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कभी भी गर्मी नहीं होनी चाहिए और ना ही नॉर्थ ईस्ट का भाग ऊंचा होना चाहिए। आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में बना रहे हैं और आप अपना नया घर बना रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट के भाग में मंदिर का फर्श का लेवल कभी भी घर के फर्श के लेवल से ऊंचा नहीं करना चाहिए। दूसरा काम क्या है, भगवान के स्थान के लिए एक ठोस प्लेटफॉर्म पूर्व की दीवार पर बना दिया जाता है। ऐसा करना भी वास्तु के अनुसार गलत माना गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भाग में जब भी ठोस प्लेटफॉर्म बन जाता है तो घर के अंदर मनमुटाव होने के कारण बनते हैं, बेवजह तनाव बनता है और पैसे का भी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में ठोस प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए या तो आप वहाँ पर एक लकड़ी का मंदिर लाकर रखें या वहाँ पर अलग से स्लैब डालकर नीचे से जो खाली हो, होलो हो, वहाँ पर पूर्व की दीवार पर स्लैब डालें और उसके ऊपर आप अपने इष्ट देव की मूर्ति रखकर, तस्वीर रखकर पूजा करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, आपने अपने मंदिर के अंदर कभी भी बहुत सारी मूर्तियाँ आगे पीछे करके या फोटोएं आगे पीछे करके नहीं लगानी चाहिए, और घर के अंदर जो मूर्ति है, जो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको सबसे मेन बात बताता हूँ, हर घर के अंदर मंदिर बना होता है और अपने मंदिर के अंदर हर व्यक्ति ज्योत जलाता है। जो व्यक्ति अपने घर में अखंड ज्योत जलाता है उसे अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भाग में जब अखंड ज्योत जलती है तो उस लो के कारण, उस ज्योत के कारण पूरा मंदिर हर वक्त गर्म रहता है और नॉर्थ ईस्ट का भाग किसी भी कीमत पर गर्म नहीं होना चाहिए। जिस घर का नॉर्थ ईस्ट का भाग हर वक्त गर्म रहेगा उस घर के अंदर बेवजह के झगड़े भी होंगे, तनाव भी पैदा होगा, आपसी मनमुटाव भी बनेगा और इसी के साथ घर के अंदर बीमारी भी आएगी और बीमारी के कारण आपके पैसे का भी नुकसान जरूर होगा। अगर आपने अपने घर के अंदर अखंड ज्योत वाला मंदिर बनाना है, आपने अपने मंदिर में अखंड ज्योत लगानी है, तो उसे आप ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक यानी पूर्व के मध्य भाग से अग्नि कोने तक पूर्व की दीवार पर कहीं भी आप अपना मंदिर बना सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भाग में कभी भी अखंड ज्योत नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना है, मंदिर के अंदर हमेशा लाल रंग के वस्त्र ही आसन के रूप में, पर्दे के रूप में लगाए जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है अपने नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में रेड कलर भी अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने मंदिर में हमेशा ही सिर्फ क्रीम कलर या हल्का पीले रंग का ही कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप अपने यहाँ पर अपना मंदिर बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, घर के अंदर हमेशा खुशहाली भी बनी रहेगी और आपकी भगवान के प्रति आस्था भी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा को हमेशा ही भगवान का स्थान माना गया है। जो बातें मैंने आपको कही है आप इन पर विचार जरूर कीजिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।